न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। वाराणसी में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दीपोत्सव की तैयारी। बीजेपी ने घर घर जाकर दीपोत्सव के लिए दीप बांटे हैं। वाराणसी के प्रभारी और एमएलसी अरुण पाठक ने मलिन बस्ती में दीप बांटे। बीजेपी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ गरीब परिवारों में दीप वितरित किए गए। सभी लोगों से 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाए जाने की अपील की गई। काशी में प्राण प्रतिष्ठा की शाम भव्य दीपोत्सव मनाए जाने की तैयारी है। लाखों दीपों से काशी नगरी, अयोध्या और तमाम देश के सभी राज्य जो हैं वो जगमग होते हुए नजर आएंगे। नहीं, पूरे बनारस में ये दिया भी है, दीप भी है, बाती भी है, तेल भी है। और 22 जनवरी 2024 की एक ऐसी तिथि है जो भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखी जाएगी। 500 साल बाद हमारे आराध्य देव भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, जिसके लिए कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया है, कई पीढ़ियों ने अपना बलिदान दिया है। आज हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे आराध्य देव भगवान राम के इस प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वाराणसी के साथ साथ पूरे विश्व में लोग उल्लास के साथ मना रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आगरा के हिंदूवादी आक्रोशित हैं। कलेक्ट्रेट के बाहर स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रतीकात्मक स्वरूप की जीप काटी गई। स्वामी प्रसाद की जीप काटने पर 5 लाख का इनाम देगी अखिल भारतीय हिंदू महासभा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद के स्वरूपों पर जूते मारे गए। घंटे तक जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन चलता रहा। कार्यक्रम किया है, यानी कि हमने पहले भी किया था। हमने एक बात सोचने में कहने में शर्म आती है, कहते ना कि लंबी जीभ और लंबा धागा जैसा लिबड़ जाता है, ऐसे ही स्वामी प्रसाद जो मौर्य है इसकी भी जीभ लिबड़ जाती है, और इतनी लिबड़ जाती है कि उसे ये नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए हमने आज उसकी जीभ काट के नहीं उसको साबित किया है। अखिलेश यादव के आगे इसलिए काटा है कि अखिलेश यादव जी को सारी चीज मालूम है, मामले में होते हुए वो मन सारी काम करा रहे हैं, यानी सब वही दे रहे हैं। वही झांसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेटे द्वारा पति को पीटता देख बचाने आए दिव्यांग वृद्ध पत्नी के ऊपर बेटे ने लोहे की बाल्टी से प्रहार कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जब पति को पत्नी की हत्या की सूचना मिली तो उसके पैर तुरंत जमीन खसक गई। बेटे से भयभीत पिता ने घटना की सूचना गरौठ पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आंगन में पड़ी महिला के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए मऊरानीपुर भेज दिया है। गरौठ थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर निवासी गणेशलाल सोन बताया कि उसका बेटा राहुल, जिसकी उम्र करीब 25 साल है, वो नशे का आदी था, जिससे वो आए दिन घर पर झगड़ा करता रहता था। थाना गरौठा का क्या मामला है? थाना गरौठा में कल शाम को पुलिस को जानकारी मिली कि एक लड़के ने अपने माँ को धक्का दे दिया, जिससे बाल्टी से चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने प्राथमिक जांच में ये पाया कि रामपुरवा गांव में अवध कुमारी और उसके पति ने, ये लड़का चूंकि नशेड़ी किस्म का था तो इसे नशा मुक्ति केंद्र ओरछा में सितम्बर में भेजा था, तो वहाँ से ये भाग कर 8/1/2024 को आ गया था, और उसको इस बात का गुस्सा थी कि उसके पिता ने उसे नशा मुक्ति केंद्र क्यों भेजा। इस बात को लेकर वो अपने पिता को मारपीट करने लगा था, जिस कारण से माँ बचाने आई तो उसको धक्का दे दिया, जिससे बल्टी से चोट लगने के कारण उसकी माँ की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा इसमें शव को कब्जे में ले लिया गया है, पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। ललितपुर में नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित उच्च स्तर की जांच कराने की मांग करने के लिए पुलिस अधीक्षक के द्वार पहुंच गया। पूरा मामला ललितपुर जिले के थाना मंडावर का बताया जा रहा है। परिजनों ने धमकाने का भी आरोप लगाया। नाबालिग मानसिक रूप से कमजोर है, जिसका फायदा उठाता रहा आरोपी। वहीं आरोपी अपने कृत्य को छुपाने के लिए नाबालिग को डरा रहा था। हरदोई जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब दो पक्षों में आमने सामने विवाद के बाद फायरिंग हो गई। बताया जा रहा है करीब 6 राउंड से ज्यादा फायर हुए। फायरिंग और विवाद का लाइव वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फायरिंग और बवाल का लाइव वीडियो कोतवाली हरपालपुर इलाके के करता गांव का, यहां के रहने वाले अजीवीर उनके चचेरे भाई अवधेश के घर पर उनके ही गांव के खर सिंह, वीरपाल सिंह, बदन सिंह, भतीजा अनिल, कुलदीप के साथ घर में घुसकर बवाल और फायरिंग करने लगे। दोनों पक्षों से ताबड़तोड़ 6 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। इसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं फायरिंग से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। कासगंज में स्वास्थ्य विभाग में सामने आया शथुरी का मामला। जन प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर 300 रुपए मांगे जा रहे थे। रुपए न देने पर युवक के साथ मारपीट की गई, मोबाइल छीना। अपने बच्चे का जन प्रमाण पत्र बनाने आया था युवक मनोज। पीड़ित युवक ने सीएमओ से लिखित शिकायत की है। शिकायत मिलने के बाद सीएमओ ने पीड़ित को जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। कासगंज के अशोकनगर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
बस्सी जिले के नगर थाना के नगर बाजार से पुलिस ने दो शातिर चोरों को अरेस्ट किया। पकड़े गए चोरों के पास से चोरी का 48,000 नगद, एक मॉनिटर, लोहे का रॉड, बेल्ट बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों शातिर चोरों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि बीते 4 जनवरी की रात को कौशल गुप्ता ने थाने में दुकान का ताला तोड़कर चोरी की तहरीर दी थी। दुकान का ताला तोड़कर 2.5 लाख नगद, सीसीटीवी कैमरा, डीबीआर चोर उड़ाने गए। पुलिस ने गैर चोरों को अरेस्ट करने के लिए टीम बनाई। टीम में थाना नगर की पुलिस, एसओजी, सर्विलांस की टीम लगाई गई। पुलिस की जांच के दौरान दो लोगों का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने दोनों शातिर चोर दुर्गेश और फरुखुद्दीन को अरेस्ट कर चोरी का बरामद किया है। एसपी गोपाल चौधरी ने बताया कि पकड़े गए चोरों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आगरा में एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शिक्षा बोर्ड के फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह के 4 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे लेकर विभिन्न विद्यालयों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाते थे। सूचना पर एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की। जाल बिछाकर 4 छात्रों को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के पास से लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रमाण पत्र बनाने की मशीन, अंक पत्र और प्रमाण पत्र के पेपर, एक कार और 15,500 रुपये बरामद किए। आगरा विश्वविद्यालय के पास से गिरफ्तार किया गया। आगरा एसटीएफ यूनिट द्वारा अंतर्राज्यीय स्तर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों व शिक्षा बोर्ड को फर्जी कूट रचित अंक तालिका प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें अर्जुन भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का फोर्थ क्लास का कर्मचारी है, नेकराम इश गैंग का मेन सरगना मास्टर आदमी है जो पूर्व में भी जेल जा चुका है, और मोहित गुप्ता जीएस यूनिवर्सिटी में टेक्निकल बाबू हैं, और इसी गैंग का एक पंकज शर्मा गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से कूट रचित। महाराजगंज में वन विभाग की टीम और कुख्यात वन माफिया के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक शातिर वन तस्कर गिरफ्तार हुआ। वन माफिया को छुड़ाने के लिए उसके सहयोगी ने वन विभाग की टीम से मारपीट की। स्थानीय पुलिस और वन विभाग की टीम ने सहयोग कार्रवाई की। लगभग 24 मुकदमे आरोपी मकौल के ऊपर दर्ज है। हत्या के मामले में सजा काट कर मकौल भरा आया था। तस्करी की घटना को अंजाम देने वाला था आरोपी। मकौल वन टांगिया गांव उसरहावा का बताया जा रहा है। कानपुर मेडिकल कॉलेज में प्रसूता और स्त्री रोग विभाग में स्वच्छता जागरूकता के लिए एक सप्ताह का अभियान शुरू किया गया, जिसमें डॉक्टर्स, कर्मचारियों के साथ ईमानदारों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रसूति और स्त्री रोग विभाग के कार्यवाहक विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सीमा द्विवेदी ने बताया कि इस अभियान के तहत डॉक्टर्स और कर्मचारियों को सबसे पहले कचरे के निस्तारण की जानकारी दी जा रही है। इसमें अलग अलग कचरों को अलग अलग डस्टबिन में डालने के लिए बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तीमारदारों को भी साफ सफाई को लेकर जानकारी दी जा रही है, जिससे वातावरण स्वच्छ हो सके। इसके साथ ही अभियान के माध्यम से सफाई का संकल्प भी दिलाया गया। हमारे यहाँ विभाग में एक सप्ताह से स्वच्छता अभियान चल रहा है और कल से इसकी शुरुआत हुई है और पूरे सप्ताह भर चलेगा। इसमें सबसे पहले तो हमने डॉक्टर्स को और कर्मचारियों को, इन दोनों वर्गों को जागरूक किया, और जो रेजिडेंट हैं, क्योंकि डॉक्टर्स और कर्मचारियों को मालूम होना चाहिए कि कचरे का निस्तारण कैसे होना चाहिए। मरीज जब आता है तो तमाम प्रकार के कचरे निकलते हैं, ग्लव्स निकलते हैं, उनका जो पस वाले सारे पट्टियां निकलती हैं, और तमाम कचरा निकलता है ओटी से भी और वार्ड से भी, तो हर कचरे का सेग्रीगेशन होना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। जो हम मिलते